करोड़पति बन जाते हैं। हाँ चलता हूँ। अब ये काना भी वो डरती डरती आगे बढ़ रही है। यहाँ तो शेर चीता बाघ का डर है। फंस गया पूरा फंस गया। दमूख है हाथ में लेकिन फिर भी जब समीप जाता हूँ जब कोई दिखाई देगा तभी तो मारूंगा। लेकिन कोई दिखाई ही नहीं दे रहा है। आवाजें आ रही हैं। करूं तो क्या करूं? अगर पता लगा के नहीं जाऊंगा तो सरकार नाराज हो जाएंगे। कोई बात नहीं, इस बार मौसम बना के जा रहा है। मौसम बना लो। क्या शरीर है भाई। कोई बात नहीं। अब ये कुछ दम बना करके काला भी आगे बढ़े। गुफा में प्रवेश किए। बड़ा अंधेरा है, कुछ नहीं दिखाई दे रहा। चाहे सांप खा जाए, चाहे बीछी खा जाए। कुछ नहीं, गुफा में बहुत अंधेरा है। दमूक भी छूट गई। दमूक छूट गई। अब कोई खा जाए चाहे, कोई बात नहीं, खाए गए तो मैं खाऊंगा। हाँ इधर से कुछ मनुष्य जैसी खुशबू आ रही है। कितना बढ़िया घोंसला बनाया है किसी पक्षी ने। हाँ इसमें पक्षी के अंडे भी रखे हैं। हाँ यहाँ रखे हैं। रख रख कोई बात नहीं। सुंदर घोंसला बना है। ये क्या है? छेरी की लेनी है क्या है? ये छेरी पता नहीं कहाँ बांध गया है गुफा में। ये माथा है। ओ नाक भी है। लगता बंदर बाबू बैठे हैं। बंदर बाबू, हे बंदर बाबू, समझ गया। गुरुजी यहाँ बैठ के भजन आ कर रहे हैं।
लेकिन बोल नहीं रहे हैं। गुरुजी थोड़ा सा बोल दीजिए। गुरुजी, ओ गुरुजी, मैं जान गया, गुरुजी भजन कर रहे हैं। गुरुजी के भजन के प्रताप से ही हमारे महाराज का सिंहासन हिला है। मुझे जाना चाहिए, महाराज को बताना चाहिए। चलता हूं। बैठे रहिए गुरुजी, बैठे रहिए। अरे वाह वाह मैं लीना चीन है मुनि नारद ध्यान बली। वाह वाह मैं लीना चीन है मुनि नारद ध्यान बली। वाह वाह मैं लीना चीन है मुनि नारद ध्यान बली। वाह वाह मैं लीना चीन है मुनि नारद ध्यान बली। महाराज के अंदर बंदा हवा को खाता है। महाराज की जय हो। कालदेव वहां पहुंचा है। कालदेव महाराज आ गए। भ्रमण कराए जी, पता लगाया। आपका काम हो गया। क्या हो गया? आपका काम पूरा हो गया। क्या काम हो गया पूरा? पता लगाया कि नहीं? वही वही वही। तो क्या हुआ? मैं आपके कहने के अनुसार 3 लोग 14 भुवन में गया। सरकार अंत में घूमते घूमते मृत्यु लोक में हिमालय पर्वत है। अच्छा, वहाँ पर पहुँचा तो मैंने देखा कि वहाँ पर एक बड़ा सुंदर स्थान है। अच्छा, और एक बहुत विशाल अंधेरी गुफा है। ओ सरकार, उसी गुफा के पास वो है ना, जो अपने वो गुरुजी, गुरुजी हाँ, वो नादर बाबा। ओ हो, देव ऋषि नारद। हाँ वही वही। अच्छा, वहाँ क्या कर रहे हैं? सरकार वहाँ बढ़िया आंख बंद करके बैठे हैं, हाथ में माला लिए हैं, गटर 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 कर रहे हैं। कालदेव, हाँ नारद जी महान ज्ञानी, हाँ संत सुनो बड़ी, हाँ उनके हृदय में चेष्टा कि स्वर्ग का हम राज्य करें, संतों के अंदर ये चेष्टा होनी नहीं चाहिए जी? अगर है भी है तो हम भी महाराज देवराजेंद्र हैं जी। महाराज विचार कर रहा हूँ जी, क्या करना चाहिए। हाँ याद आया, क्या कहते हैं, धीरज धर्म मित्र और नारी आपत्कार परखिए चारी। अगर जीवन काल में आपत्ति विपत्ति आती है तो चार वस्तुओं को जरूर परखना चाहिए जी। हाँ, दुख में धीरज धर्म मित्र और नारी जी। नारायण, कौन हमारा हितैषी है कौन नहीं है जी, तो इस कष्ट में हमारे मित्र सहायता जरूर करेंगे। कालदेव जी महाराज, तुम जाओ अलकापुरी जी, और हमारे मित्र कामदेव को वहां से लेकर किया हो। जो आज्ञा महाराज, जाओ अभी जाता हूं। काम ही बोल दीना सनमाना, श्री कामदेव महाराज के चरणों में कालादेव का प्रणाम स्वीकार हो। श्री महाराज की जय हो। प्रसन्न रहो कालादेव, बतलाइए कैसे आना हुआ? महाराज आना इसलिए हुआ कि जो आपके मित्र हैं देवराज इंद्र हमारे महाराज, उन्होंने आपको याद किया है, हम आपको लेने के लिए आए हैं। मेरे मित्रवन ने मुझे याद किया है। हाँ, चलिए काले, क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? जो आप कर रहे थे, हम मिल रहे थे, मिल रहे थे। हम अपने मित्र से मिल रहे थे, हम अपने मित्र के चित्र से मिल रहे थे। कौन से मिलो? इनसे? ना, इन सब से। इनसे नहीं मिला। हाँ। मेरे प्यारे मित्रवन, क्या मुझे तू याद, काम जो मेरे योग हो बतलाइए तत्काल। मेरे प्यारे मदन, कहना मेरा मान व्याकुल है, मन मेरा ऋषि नारद के मान के बुलाने का एक ही कारण है। मित्रवर, हिमालय की तरेटी पर देव ऋषि नारद जी इस सिंहासन को पाने के लिए घोर तप कर रहे हैं। उनके तपस्या के प्रभाव से मेरा सिंहासन हिल गया है। मेरे मित्र, मेरे सिंहासन को बचा लीजिए, आप इस दुख में मेरा साथ दीजिए। मित्रवर, यह काम नहीं हमारे श्रीराज, डरे मुनि को दुख देते घनेरो।
एक बार गए शिव के दिल में कि जान दिए सगरों तर मेरो, ये जग के सब लोग हंसे हम पे, तुमको तन को पर बुद्धि न घेरो, मुनि कोप से ना बचा सके, नहीं जइयो साथ जवाब मेरो। हे मित्रवार, एक बार मैंने आपके कहने से झूठ बहुत बोले, आपकी समाधि भंग करनी चाहिए, किंतु उन्होंने अपने तीसरे मित्र से मुझे भस्म कर दिया। मित्रवर, आपने इनकार करके मेरे हृदय में कष्ट पहुंचाया है। मित्र राग वही जामे राम बसे, ध्यान वही जो धनी के धने को, नार वही पति संग जरे को, पुत्र वही जो पिता के कहे को, शील वही जो जवानी को डांटे, वीर वही सन्मुख लड़े को, या संपत्ति में मित्र अनेक, मित्र वही जो विपत्ति के पड़े को, जो मित्र तिने ना होए दुखारी, तिने ही पिलोकत पातक भारी, जो मित्र के दुख में दुखी हो, सुख में सुखी नहीं होता, उस मित्र को मुख देखने में भी पाप होता है। मित्रवार, ऐसी बात है तो सुनिए, यह कौन सी बात है नात बड़ी, अभी मुनि राज को ध्यान लगाऊ, ललित राज समाज सभी काम करंगन में भवराऊ, काम कला रुच के भववात, योग छुड़ाई के भोग कराऊ, जो ना करूं किशोर रत्नो तो आज से कामना ना कराऊ, इन कटीली झाड़ियों को, अरे इन कटीली झाड़ियों को नंदन पर बना दूंगा, पत्थर की चट्टानों पर मखमल बना बिछा दूंगा, बेचैन कर रख दूंगा दुनिया की जान को, भक्त क्या चीजें छोड़ू नहीं भगवान को, आप मुझको वहाँ का पता तो बताइए। हमारा सेवक काला देव तो आपके साथ में जाएगा। काला देव और मित्रवर, जिस वस्तु की आवश्यकता पड़े आप याद करना, वह वस्तु वहीं पर उपस्थित हो जाएगी। ठीक है मित्र, आप इस कार्य को सिद्ध कीजिए, आप जाकर विश्राम करिए, आप विश्राम करिए, भात ऊपर आ रहा होगा। काला देव जी, यहाँ से कितना दूर है? सरकार यहाँ से बहुत दूर है। अच्छा ठीक है, अपने आँखें बंद कर लो, वह पहुँच जाएंगे। जादू से? और क्या, आंख बंद करेंगे वहीं पहुंचेंगे, वहीं पहुंचेंगे। एक बात बताओ, हाँ अब तो नहीं कुछ होगा? नहीं कुछ नहीं होगा, आंख बंद करवा रहे हैं आप? हम अपनी माया से पहुंचाएंगे ना आपको, पहुंचाएंगे ही ना। हाँ देखना, और कुछ होने ना है? कुछ नहीं होगा हमें ना, तो ठीक है। ऐसा प्रताप है हमारा, चलना भैया नारद जी के देखने, बंद करो आंख अपनी, अभी तपस्या कर रहे हैं, हमें उस जगह में ले चल। कन्याश्रम ही बदन जो मैं गए तेही आश्रम ही मदन जब गए। आंखें खोलो, आंखें खोले, पहुंच गए, यही जगह है ना? यही है, हम तो वहीं थे, अब वहीं सब बैठे हैं, वही वही देखो, देखो काला देव, यहाँ का वातावरण ठीक नहीं है। मैं यहाँ पर अपनी माया से तीन प्रकार की वायु का निर्माण करना चाहता हूँ, शीतल मंद सुगंध। जरूर मेरे काम के दूसरे बार यहाँ पर तीन प्रकार की वायु का निर्माण कर। चली सुहान त्रिविध कर दिया। और क्या, आंख बंद की बाबा के पास आ गए, यहाँ आए तो आपने तीन प्रकार की हवा चला दी, बड़ा आनंद आ रहा है। लेकिन काला देव जी, हमें यहाँ पर अप्सराओं की जरूरत है। किनकी जरूरत है? अप्सराओं की। अप्सरा? हाँ परियों की। परियों की? अच्छा, हमें उन्हें बुलाना चाहिए। बुलाऊं? नहीं हम बुला रहे हैं अपनी माया से। अच्छा तो बुलाइए। हे मेरे काम के तीसरे बार यहाँ पर सभी परियां उपस्थित हो जाए। ब्रह्मा भी कशुर नारी नारी
सरकार हे सरकार आइए। ये आपने बहुत अच्छा काम किया। हाँ जानते हो क्या, अभी तक सुना सुना लग रहा था। अब अच्छा लग रहा है, अब मेरा भी मन लगने लगेगा। ठीक है इनको काम समझा दूं। देखो मुझको देख रहा है। हे अंबाज तपसरा परियो की सरताज बहुत ही दिशा दिशा जाई के गाय बसंत मल्हार वो राग जमे वह रंग जमे वो राग जमे वह रंग जमे आकाश भी जिससे हिल जाए दीवाने के मुख बोल उठे मुर्दे की बत्ती सी खोल जाए। आप देवसी नारद जी का ध्यान लगाइए। सरकार रुकिए मैं इनको समझा देता हूँ। हाँ आप समझा दीजिए, उनका नाम भी पूछ लेना। मैं सब समझ ले रहा हूँ। ए परी कैसी बोलती जी? ए परी प्यार से बोलो। परी और मीठा बोलो। आ परी और मीठा। ए परी क्या है जी, ज्यादा मीठा ना बोलो नहीं चीटा खा दे। काला देव जी। हाँ ऐसे बोलो। सुनो सुनाओ क्या नाम है आपका? मेरा हाँ बता दू। बताओ। उर्वशी। आए उर्वशी। उर्वशी उर्वशी उर् माने हृदय हृदय उर्मा। बंद करो बंद करो। सुनो क्या है? मेरे हृदय में नहीं बसना। अच्छा वजन ज्यादा है तुम्हारे पास। ऐसे नहीं बसती मैं। हाँ ना फिर सोच समझ के। हाँ पीछे हो जाओ। आओ जी कहिए जी। बहुत मुस्कुरा रही हूँ, क्या बात है? आप ही मुस्कुरा रहे हैं तो आपको देख के हम भी मुस्कुरा रहे हैं। मुस्कुराना चाहिए। हाँ ये बताओ कहिए क्या नाम है आपका? हमारा हाँ हमारा नाम हाँ। रंभा। खंभा लग रही हो खंभा जैसे। अरे खंभा नहीं हाँ रंभा नाम है हमारा। क्या नाम है? रंभा। ओ आई सी। अम्मा किसकी? माइक वाले की अम्मा? अम्मा नहीं हम हाँ। हमारा नाम है रंभा। रंभा स्वर्ग लोक की परी है। हमारा कैसा नाम है? रंभा खंभा अम्मा। हटो पीछे, ठीक नाम नहीं है तुम्हारा। आपका क्या नाम है जी? मेनका। मेनका? मेनका नहीं मेनका, वही जो बरसात में टर टर करती है। अरे नहीं हाँ हमारा नाम है मेनका। मेनका। मेनका नहीं, ये तालाब में जो बोलती है। अरे मेनका नहीं मेनका। अच्छा मेनका। हाँ तो बताओ कैसा कैसा नाम रख देते। कोई बात नहीं। क्या हुआ, क्या नाम है? मेरा नाम हाँ मेरा नाम है लीलम। लीलम हाय मेरी लीलम। लीलम लीलम आ कहा थे? लीलम लीलम हाँ लीलम। तो सुनो हाँ यहाँ जानती हो आप लोगों को क्यों बुलाया गया है? किस लिए? देख रहे हो ये बाबा जो बैठा है? हाँ देख लो। देख रहे हैं बाबा बैठे हैं ना, ये बाबा ठंड में सिकुड़ गए। अच्छा ठंड लग गई है इनको, इनके अंदर करंट बनाना है? बन जाएगा बाबा, जिंदा हो जाएगा। ऐसा काम चुटकी में करती हूँ मैं। यही तो चाहिए। तो कितना समय लगेगा कि बाबा के अंदर करंट बन जाए, बाबा दौड़ने लग जाए? क्षण मात्र में। बस क्षण मात्र में गारंटी से। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो जो कहोगे वो किया जाएगा। अगर तुमने क्षण मात्र में बाबा की तपस्या को भंग कर दिया तो इनाम मिलेगा। और अगर नहीं किया तो तुम्हारी काट ली जाएगी। क्या तनख्वाह? नहीं ऐसा नहीं होगा। नहीं कटेगी? नहीं नहीं बिल्कुल कटेगी। नहीं नहीं दिखा के दिखाओ जी। अजी ओ बाबा जी ये बताओ काना को काना कहोगी तो वो रूठ नहीं जाएगा? अच्छा बाबा जी ना कहो, राजा जी बोलो क्या? हाँ प्यार से बोलो हाय मेरे राजा। अच्छा ऐसे बोलो राजा जी कहो। राजा जी अजी प्लीज। ओ राजा जी। ए बाबा देखो दे आँखी अभागी देख ले कितनी नीठ ठाड़ी। सर को नीचे की नजरें झुकाए बैठे हो।
अरे ओ पापा जी, तुम ही तो हो जो हम परियों का दिल चुराए बैठे हो। राजा देखो ना एक नजर बाबा जी। बाबा हो बाबा। अरे बाबा तो से मोरी और बाबा तो से मोरी। अरे बाबा तो से मोरी लागी लगनिया हो जिया मारे दो। ₹50 दिए रहे हैं, कह रहे हैं बाबा की समाधि दिलाओ जल्दी दिलाओ। देखें कैसे निगाह पा रहे हो।
अरे इन लोगों से नहीं दीदी समाधि, तो तुमसे क्या दीदी, ये तो सुंदरियां हैं, अबलाएं हैं। व्याधि समाधि की बात छोड़ो, हाँ जागने की बात छोड़ो, बाबा दौड़ता नजर आएगा चाहे देख लेना। दौड़ता मतलब जगाओ भैया, यही तो चाह रहे हैं। ये क्या हो रहा है, ये क्या कर रहे हो जी? अरे कुछ कर रहा है जरूर भैया, क्या है क्या? दिखा दो जी, देखना तैयारी में है कुछ, देखना। हाँ दिखाओ भैया, क्या दिखा रहे हो? बाबा कैसे भागता, देखना। क्या हुआ काला के? क्या पकड़ लिया मेरा पूरा? अरे सुनो, ऐसा करते ना, बाबा जी आपको श्राप दे देते। पी लेते काम, पीने वाली नहीं, भस्म हो जाते आप मुझको। हाँ जी बंद कर देते। हाँ ऐसा नहीं किया जाता, और अखबार के लिए मोरान हो जाते। अब तो कामदेव ने सभी अप्सराओं से कहा, चलो इनके ही चरणों में गिर करके प्रार्थना करते हैं। सहित सहाय सभीत अति मान हार मन में गह सी जाए मुनि चरण तब कह सुठिया महाराज। हमसे बाबा का ध्यान नहीं टिक पाया। अच्छा अरे इस भोली भाली सूरत से प्राणी का मन हर लेती है, दुनिया से ध्यान छुड़ा करके अपने में लेकर लेती है, बातें बड़ी बड़ी करती पर कुछ ना कर पाती हो, बिजली सी तरह चमक करके क्षण में मलिन हो जाती हो। आप सभी जाओ मेरी नजरों के सामने से दूर हो जाओ, अन्यथा मैं तुम्हें क्या दंड दे दूं आप सोच नहीं सकते। चले जाओ यहां से। जैसी जहां चौथे बार आप देवऋषि नारद जी का ध्यान दिला कर ही आना। अरे ये क्या, हे मुनि बर तुम धन्य हो, हानि गयो में आज कामदेव सुरराज को जीतो सकल समाज, त्राय माम त्राय माम त्राय। कह सुजाए मुनि चरण तब नारद मन अछु दोसा नारद जिस समय तुम यहाँ आए थे तो बड़ा ही शांति वातावरण था, लेकिन अब चारों तरफ और कौन, कामदेव तुम यहाँ पर, काम का वास तो भोगियों के यहाँ पर रहता है, लेकिन योगियों के यहाँ पर काम का क्या वास? हे देवऋषि नारद जी मैं आपको बतलाता हूँ मैं यहाँ कैसे आया हूँ। कैसे आए? आप जब यहाँ बैठे तप कर रहे थे तो आपकी तप से मेरे मित्रवर देवराज इंद्र का सिंहासन हिल गया, वो भयभीत हो गए और सोचने लगे
कहीं देव ऋषि नारद जी मेरा सिंहासन न मांग लें, इसलिए वो अपने डर की वजह से मुझे आप